लड़ाई न बीजेपी से है, हमारी लड़ाई न कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जिस विचारधारा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जैसे लोग, जिस विचारधारा के माध्यम से अमित शाह जैसे लोग इस हिंदुस्तान की परिणति को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मुझे जब तक होश नहीं था, जब तक मुझे जानकारी नहीं थी, तब तक तो मैं ब्राह्मण बनकर के जी रहा था, लेकिन जब मुझे इंसानियत समझ में आई, जब मुझे मानवता समझ में आई, तब से सिर्फ मेरी एक ही जाति है कि मैं एक इंसान हूं, आप सब एक इंसान हैं, और आपके बीच और हमारे बीच सिर्फ इंसानियत का नाता है। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी अनगिनत पैसे खर्च किए, घर घर कंपेन चलाए, क्या हुआ उस कंपेन का? राहुल गांधी जैसा शख्स लड़ता गया, लड़ता गया, लड़ता गया, लड़ता गया, और आखिरकार मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी उसकी संघर्ष को, उसकी मेहनत को सराहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अयोध्या से ही हरा करके वापस भेज दिया। विधायक जी साक्षी है और इन्हीं ने मुझे बताया, इन्हीं ने कहा कि तिवारी जी आप संत हो, आपने मुझे तार दिया। मैंने सोचा यदि मैं आपको तार सकता हूं तो फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे लोगों की भी नैया पार कर सकता हूं। एक बिल्कुल सूखा हुआ शरीर बैठा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप लोग भी जब इनको बोलते हुए देख रहे होंगे, बैठे हुए देख रहे होंगे, तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कोई इतना सरल विधायक कैसे हो सकता है। विधायक का मतलब बड़ा तामझाम होना चाहिए, इधर एक गनर खड़ा हो, उधर कोई गनर खड़ा हो, यही मन में इमेजिन हो रहा होगा आपके। लेकिन हमारे इनसे इतनी आत्मीयता है, जब मुझे कांग्रेस की तरफ से चंबल का इंचार्ज बना करके भेजा गया तो राहुल गांधी जी ने मेरे सामने एक चैलेंज रखा, क्योंकि जिस विधानसभा से ये विधायक चुने गए थे 2018 में 42,000 वोटों से चुनाव जीते थे, और उस विधानसभा का इतिहास रहा है अध्यक्ष जी कि 70-75 साल में कोई विधायक कभी दोबारा रिपीट नहीं हुआ। हमको राहुल गांधी जी ने कहा कि वास्तव में यदि आपके अंदर मैनेजमेंट की इतनी कुशल क्षमता है, इतने कुशल नेतृत्व करता हो, तो आप उस सीट का इतिहास रिकॉर्ड तोड़ करके दिखाओ। मैंने विधायक जी से संपर्क साधा, वहां के दोबारा के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह से बात की, तो विधायक जी ने निराशा मन के साथ कहा कि बोले हम चुनाव जीतेंगे ही नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं जीतोगे? बोले कि यहाँ का रिकॉर्ड है, यहाँ की जनता विधायक बनाती है, नेता नहीं बनाती है, एक बार बना देगी दोबारा किसी और को बनाएगी। मैंने उस संकल्प को साधा और मैंने मुट्ठी में जल लेकर के संकल्प लिया था भरी सभा में खड़े होकर के, और संकल्प यह लिया था यदि यहाँ के 70 साल के रिकॉर्ड को मैंने नहीं तोड़ पाया, यदि दोबारा इनको 70 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर विधायक नहीं बना पाया, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और जब रिजल्ट आया 3 दिसंबर को, आपके सामने बैठे हैं, वहां का इतिहास 70 साल का तोड़ते हुए मैंने 10,500 वोटों से जीता करके दोबारा भोपाल भेज दिया। और इनकी कार्यशैली कैसी है, आपने विधायकों को अक्सर आलीशान कोठियों में रहते हुए देखा होगा, आपको याद होगा जब आप अपने यहाँ लेखपाल के लिए भी सिग्नेचर कराने के लिए जाते होंगे, किसी सेक्रेटरी के दस्तखत की आवश्यकता होती होगी तो वो मिलता नहीं होगा आपको, 36 बार घुमाया जाता होगा, उसके चमचे खड़े रहते हैं गेट पर, वो टसन दिखाते हैं अभी नहीं है विधायक जी, अभी नहीं है सांसद जी। एक ऐसा भी विधायक जिसके पास 500 बीघे खेती है, शानदार आलीशान शहरों में मकान बने हुए हैं, लेकिन शहर से बाहर एक लकड़ी की झोपड़ी बनवाई हुई है, 24 घंटे अपनी जनता के लिए उस लकड़ी की झोपड़ी में उपलब्ध रहने वाला विधायक आपके सामने बैठा। और मैंने जब इनसे यह कहा कि विधायक जी ने मुझसे पूछा कि मैं कोई कार्यक्रम करने जा रहा हूं तिवारी जी अपने यहां, तो मैंने इनसे तारीख पूछी किस तारीख को करने जा रहे हैं, बोले 19 तारीख को करने जा रहा हूं, राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। तो मैंने कहा कि हमारे यहां के बच्चों ने हमारे जिला अध्यक्ष से बातचीत करके सहमति बनाई है कि हम आपका जो है स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। इन्होंने हमारा इधर से कहना हुआ, इन्होंने उधर फोन काट दिया, अगले 5 मिनट बाद फोन किया, बोले कि मैं 19 तारीख को आ रहा हूं, अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिया हमने। इतनी आत्मीयता, इतना प्यार। आप सब बड़ी बड़ी दूर से चलकर के आए, हमारे परिवार के लोग, हमारे चाचा जी यहां बैठे हुए हैं, हमारे तमाम सम्मानित बुजुर्ग जिनके सामने मैं पला बढ़ा, इनके सामने शैतानियां की, किसी ने मुझे डांटा होगा, किसी ने मुझे अच्छी बात सिखाई होगी, गलत कार्य करने से रोका होगा, आप सबके प्रताप से, आप सबके पुण्य से आज मैं जो कुछ भी इस देश के लिए कर पा रहा हूं, देश की राजनीति के लिए कर पा रहा हूं, ये सब आपका आशीर्वाद है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब मेरी अवस्था 23 वर्ष की थी, चूंकि
मेरे जीवन में विधायक जी दो ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला शब्द है माँ, मैंने उस पर बहुत किताबें भी लिखी हैं, और दूसरा शब्द है भगत सिंह। भगत सिंह का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और जब 23 वर्ष की उम्र में ही भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा था, मैं भी ये कल्पना करता था कोई तो ऐसा पलाएगा, कोई तो ऐसा छड़ाएगा, जब हमको हमारे देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हंसते हंसते भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे को चूम जाऊंगा और इस देश के लिए बलिदान हो जाऊंगा। लेकिन वो 23 वर्ष की उम्र निकली, वो समय निकल गया, उसकी बात तमाम पड़ा हुआ है। और जब मैं प्रियंका गांधी से मिला और जब राहुल गांधी से मिला, तो राहुल गांधी की और हमारी मुलाकात ही मात्र 30 सेकंड की थी। राहुल गांधी ने हाथ पे हाथ रख करके कहा था कि मैं आपके बारे में जानता हूं और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मैं सिर्फ ये जानता हूं हम और आप साथ मिलकर के इस हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत कुछ काम करने वाले हैं, आप आ जाइए साथ में। और जबकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं, तमाम आंदोलनों का नेतृत्व किया, इसी हरदोई में हजारों लाखों की संख्या में ऐसे यूथ होंगे जिन्होंने अनगिनत परीक्षाएं दी होंगी लेकिन वो अपने चयन प्रक्रिया के उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके होंगे। दिल्ली की ऐसी कोई सड़क नहीं है जो सड़क इस बात की गवाही न देती हो जहां गोपाल तिवारी के शरीर से निकला हुआ रक्त न गिरा हो। इस पुलिस ने बहुत लाठियां दी हैं हमको, बहुत चोटें दी हैं हमको, अनगिनत बार जेल भेजा है। हमने भी नारा दिल्ली में खड़े होकर के कहा था कि हथकड़ियां ये हमारा श्रृंगार है, ये जेल की सलाखें हमारा घर है, इनके दरवाजे खुले रखिएगा, हमारा आना जाना लगा रहेगा लगातार। और आज तक मैंने कहा था, और हमारी लड़ाई न बीजेपी से है, हमारी लड़ाई न कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जिस विचारधारा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जैसे लोग, जिस विचारधारा के माध्यम से अमित शाह जैसे लोग इस हिंदुस्तान की परिणति को बर्बाद कर देना चाहते हैं, हिंदुस्तान की नींव को हिला देना चाहते हैं। क्या है हिंदुस्तान की नींव? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये गुलदस्ता है। और जब आप गुलदस्ता बनवा करके लाते हो, अनगिनत तरीके के फूल उसमें रखे जाते हैं, तो ही वो गुलदस्ता बहुत अच्छा लगता है। यदि बताइए एक तरीके का ही फूल उसमें हो, बाकी सारे फूल उससे निकाल करके फेंक दिए जाए, क्या उस गुलदस्ते का कोई महत्व रह जाएगा? क्या वो अच्छा लगेगा देखने में? इसी तरीके से हमारे ये सनातन संस्कृति की परंपरा रही है कि सब एकजुट होकर के मजबूत होकर के ही इस देश को आगे लेकर के जाते रहे हैं। लेकिन पहली बार इस हिंदुस्तान की जनता ने फर्श से उठाकर अर्थ पर बैठाने का जिनको काम किया, अपने सर का ताज बनाने का काम किया, उन्होंने धर्म के नाम पर सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए, सिर्फ सरकार में रहने के लिए उन्होंने किंचित मात्र विचार नहीं किया। उन्होंने धर्म का दुरुपयोग करना था तो कर दिया, सनातन का अपमान करना था तो कर दिया, भगवान राम का व्यापार करना था तो कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। यही उत्तर प्रदेश है, जिस उत्तर प्रदेश को लेकर के यह कहा जाता था, जिस भारत में यह कहा जाता था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगी। अधिकांश लोग ये मान भी चुके थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा चूंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने एक स्त्री की मर्यादा को बचाने के लिए 14 वर्षों की कठिन यात्रा की थी, और हिंदुस्तान की मर्यादा को बचाने के लिए हमारे महबूब नेता जिनका आज अवतरण दिवस है, जिनका जन्मदिन है, उन्होंने भी हिंदुस्तान की मर्यादा को बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 6 महीने लगातार धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में यात्रा की। इस यात्रा को रोकने के बहुत प्रयास किए गए और ये दुनिया की ऐतिहासिक यात्रा बनी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक छोटे से गाँव से निकलकर, एक छोटे से जिले से निकलकर राहुल गांधी की उस 100 लोगों की टीम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। और जब राहुल गांधी के साथ मैंने चलना शुरू किया तो मैंने नंगे पांव चलना शुरू किया। हमारे पांव में 19-19 छाले होते थे, 106 डिग्री बुखार होता था, लेकिन फिर भी मैं 42 किलोमीटर पैदल चलता था। राहुल जी ने मुझे रोका कि आप नंगे पांव पैदल क्यों चलते हो? मेरा एक ही जवाब था अध्यक्ष जी, मैंने उनको कहा कि मैं सिर्फ नंगे पांव पैदल इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं गांधी को महसूस करना चाहता हूं। एक दौर था जब गांधी जी ने भी ऐसी यात्राएं की थी, उस समय कोई फोन नहीं होता था, उस समय कोई लैपटॉप नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, फिर कैसे लाखों लोगों का उनके पीछे मजबा जुड़ा, कैसे इतनी बड़ी कनेक्टिविटी जुड़ती चली गई, कैसे हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा आंदोलनकारी बन गया, कैसे उसे राष्ट्रपिता की उपाधि मिल गई। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं गुलामों में पैदा हुआ,
एक छत के नीचे पैदा हुआ। मैं सिर्फ उस बाप को अपना बाप नहीं मानता हूँ, उस माँ को अपनी माँ नहीं मानता हूँ, उस छत के नीचे रहने वाले लोगों को अपना परिवार नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी इस नजर से जहां तक जितने लोग हमको दिखाई देते हैं वो सब हमारे अपने हैं, वो सब हमारा अपना परिवार है। और मुझे जब तक होश नहीं था, जब तक मुझे जानकारी नहीं थी, तब तक तो मैं ब्राह्मण बनकर के जी रहा था। लेकिन जब मुझे इंसानियत समझ में आई, जब मुझे मानवता समझ में आई, तब से सिर्फ मेरी एक ही जाति है कि मैं एक इंसान हूं, आप सब एक इंसान हैं, और आपके बीच और हमारे बीच सिर्फ इंसानियत का नाता है। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। और इसी संकल्प के साथ मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। एक ऐसा शख्स जिसको बीते 10 सालों में अनगिनत तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया, इस हिंदुस्तान की एक ऐसी सरकार का तानाशाह प्रधानमंत्री, जिसने सिर्फ अपने आप को बचाए रखने के लिए इस देश का तकरीबन 100 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने मैनेजमेंट पीआर पर खर्च किया, गूगल को दिया, और सिर्फ इसलिए दिया कि राहुल गांधी की इमेज को बर्बाद कर दो, राहुल गांधी को मुसलमानों का नेता घोषित कर दो और ये कह दो ये तो मुसलमानों की पार्टी है। मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं, यदि यहां से हमारी बात पहुंच रही हो, मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमान का अर्थ होता है अध्यक्ष जी जिसका मुसल्लम ईमान हो, जो कुरान की आयतें पढ़ता हो, जो सच्चा हो, जो नेक हो, जो गलत को गलत कहता हो और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हो, वही एक सच्चा मुसलमान होता है। मैं एक सच्चा मुसलमान भी हूं, मैं एक सच्चा ब्राह्मण भी हूं, मैं एक सच्चा क्षत्रिय भी हूं, और मैं एक सच्चा चरण भक्त भी हूं, और एक सच्चा अध्यापक भी हूं। क्योंकि अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी शैली के माध्यम से, अपनी कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से जो लोगों की रक्षा कर सकता है, भटके हुए को सही राह पर ला सकता है, वही एक सच्चा इंसान होता है। यही कुरान कहती है, यही गीता कहती है, यही गुरु नानक देव के द्वारा लिखी हुई पुस्तक कहती है, यही बाइबल कहती है, और यही प्रकृति भी आपको संदेश देती है, प्रकृति भी आपको यही संकेत देती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का एक ऐसा नेता, आप कल्पना करके देखिए, 2004 में जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बहुत शानदार तरीके से जीत हासिल की थी, तो यदि सोनिया गांधी चाहती तो स्वयं प्रधानमंत्री बन जाती, सोनिया गांधी चाहती इस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना सकती थी। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, वो स्वयं प्रधानमंत्री नहीं बनी, क्योंकि वो सत्ता की भूखी नहीं थी। उन्हें मालूम था कि 2007 में हिंदुस्तान में एक आर्थिक संकट आने वाला है, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो कांग्रेसी भी नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को पंजाब से बुला करके एक अर्थशास्त्री के रूप में हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज किया। और दूसरी बार चाहती तब भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकती थी, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को संघर्ष के रास्ते छोड़ा। उन्होंने कहा कि आप संघर्ष कीजिए, अपने बलबूते जनता का दिल जीतिए, और फिर दोबारा उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद जब राहुल गांधी संघर्ष के रास्ते उतरे, आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, अनगिनत पैसे खर्च किए, घर घर कंपेन चलाए, क्या हुआ उस कंपेन का? राहुल गांधी जैसा शख्स लड़ता गया और आखिरकार मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी उसकी संघर्ष को, उसकी मेहनत को सराहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अयोध्या से ही हरा करके वापस भेज दिया। जो भगवान राम के नाम पर राम राज्य की बात करते थे और राम राज्य की बात करने वालों ने रावण राज्य चलाया, अनगिनत घर तोड़ दिया अयोध्या में, काशी कॉरिडोर के नाम पर हजारों साल पुराने ऐतिहासिक मंदिरों को एक झटके में तोड़ करके फेंक दिया गया, इतने मंदिर तो औरंगजेब ने भी नहीं तोड़े थे, और भगवान राम से जुड़े हुए जहां जहां अस्तित्व थे हर उस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रत्याशी हारा। और मैं यहां चटंके की चोट पर कह सकता हूं, यहां बुलंदाबाद से कह सकता हूं, अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं हारा, अयोध्या का चुनाव स्वयं नरेंद्र मोदी हारे, क्योंकि वहां जीत जाता तो वाहवाही नरेंद्र मोदी की होती, और जब हार गया तो इस हार का ठीकरा भी नरेंद्र मोदी के ऊपर ही फोड़ा जाएगा। आप बनारस से भी चुनाव हार गए थे, तकरीबन 1 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन 3 बजे के बाद योगी आदित्यनाथ को यह समझ में आया कि यदि नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हार गए हमारी फजीहत हो जाएगी, मैं दूसरी बार का मुख्यमंत्री हूं, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, इसलिए जबरदस्ती
तीन बजे के बाद बूथ कैप्चरिंग करवाई गई, मशीनों की काउंटिंग धीमी करवाई गई और तब जा करके आपको 1.5 लाख वोटों से वहां से जिता करके भेजा गया। आप सोचिए जिस बनारस की जनता ने तकरीबन 4.5 लाख वोटों से आपका विजय तिलक किया था और 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद उसी बनारस की जनता ने 1.5 लाख वोटों पर ला करके आपको रख दिया। मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में उसकी नैतिक हार मानता हूं, उसकी सैद्धांतिक हार मानता हूं। और यदि उस प्रधानमंत्री की जगह में स्वयं प्रधानमंत्री होता तो मैं राजनीतिक जीवन से इस्तीफा ले लेता, अपनी हार स्वीकार करके राजनीति को छोड़ देता हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं, क्योंकि लड़ाई में सीधे दिल्ली में खड़े होकर के जब लड़ता हूं तो अमित शाह की आंखों में आकर डालकर बात करता हूं, नरेंद्र मोदी की आंखों में आकर डालकर बात करता हूं और उनको कहता हूं हमारे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, मैं इस देश के साथ खड़ा हूं। और सत्य और देश के साथ खड़े रहने वालों को जितनी यात्राएं तुम दे सकते हो दे लो, भारत की मुट्ठी माटी के लिए, इस भारत की रक्षा करने के लिए। आजीवन अविवाहित रह करके हमने इस देश के लिए संकल्पित होने का व्रत लिया है और जब तक हो सकेगा, जहां तक हो सकेगा, मैं सिर्फ सन्यासी हूं, मेरे बारे में विधायक जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि मैं खुशी मन से प्रसन्न मन से यदि मैं किसी को आशीर्वाद दे देता हूं उसके बेड़ा ही पार हो जाता है, और दुखी मन से किसी को श्राप दे देता हूं तो उसकी जो है पुस्तक खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है, विधायक जी साक्षी है और इन्हीं ने मुझे बताया, इन्हीं ने कहा कि तिवारी जी आप संत हो, आपने मुझे तार दिया। मैंने सोचा यदि मैं आपको तार सकता हूं तो फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे लोगों की भी नहीं पार कर सकता। इनके साथ 5 महीने तक पैदल चला, मैं चाहता हूं आप सब हरदोई यात्री के रूप में, मैं भारत यात्री था, आप सब हरदोई यात्री के रूप में हमारे साथ 3-4 किलोमीटर पैदल चले, हम कांग्रेस पार्टी के नारे लगाते हुए, इंकलाब के नारे लगाते हुए, जय घोष करते हुए हम 3-4 किलोमीटर पैदल चल के हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर माल्यार्पण करके हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। और इसी मंच से एक बात और कहना चाहता हूं कि हमको कल ये सूचना दी गई कि प्रशासन के कुछ लोग परमिशन की बात कर रहे थे, क्या आपने परमिशन नहीं ली, आप यात्रा कैसे कर सकते हैं। मैं इस मंच से उस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आपको इसमें व्यवधान उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सहयोग करने की जरूरत है। फिर भी अगर आपके अंदर ऐसी कोई मंशा हो, ऐसी कोई कुलबुलाहट हो, ऐसी कोई चहलकदमी हो, थोड़ी देर में बाहर निकल रहा हूं, अपने प्रशासन का एडी चोटी का जोर लगा लेना, मैं देखता हूं कितनी दूर तक यात्रा हमारी रोक पाते हो। और एक बात आखिरी कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ मिले चाहे न मिले यह मुकद्दर की बात है, मुझे कुछ मिले चाहे न मिले यह मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी न करें यह गलत बात है।